ये फर्स्ट टाइम लाइफ में बनाने जा रहे हैं। वाह चखना इज रेडी। सो टेस्ट करते हैं पहले। सो गाइस इस वक्त पे मुझे ये जो लोकेशन है ये बीच वाले वाइब्स दे रहे हैं। सस्ता गोवा बीच। ये देखो क्या मिला, एक देखो घोंगा मिला, इसको घोंगा बोलते हैं। ये भाग रहा था कि क्या पता नहीं, इसे खाते हैं इधर गांव के लोग। इसको बॉईल करते हैं या तो फिर डायरेक्ट इसका अंदर का मीट निकाल के फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन जो है यहाँ पे जमा कर रही है, आज यही लगता है लंच बनने वाला है। इधर भी और एक है, अरे और है, देखो देखो यहाँ पे भी है, कितना सारा है। ये तो खाली है, इधर इधर और एक है। बचपन में ना हम लोग भी ये सब खोजने आते थे, छोटा वाला, ये तो बहुत बड़ा वाला मीट है, इसके अंदर बड़ा बड़ा मीट रहता है। उधर जमा कर रही है वो, एक छोटा सा भी है। इसका सबसे छोटा साइज वाला भी अच्छा ही लगता है, इसका पता नहीं बड़ा वाला का टेस्ट मेरे को नहीं पता। पर इससे बोलते हैं ना इधर गांव के लोग कि ये खाने से ना आँख का रोशनी ठीक होता है, आई साइट ठीक होता है। यहाँ पे और भी है देखो। ये लोग अपने कॉर्नर में आ जा रहे किनारे में। पकड़ो बहुत डेंजर दिख रहा है हमको, छूने में अजीब लग रहा है। पहली बार वही ना, इसका छोटा वाला तो फिर भी ठीक था, ये तो बहुत बड़ा है। और तो नहीं दिख रहा अब इधर, ये मस्त था किनारा। सो इधर इतना सारा घोंगा, ये मेल वर्जन है, इससे घोंगी भी एक्चुअली छोटा साइज का होता है। ये सब सब इधर जमा कर लिया, आज का लंच लगता है यही होने वाला है। इसका मीट निकालना है, पर लेके कैसे जाएंगे, और इसको पकाने की कोशिश करेंगे, मज़ा आएगा। वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे इसको खाते कैसे है, बनाते कैसे है, मज़ा आने वाला है। चलो देखिए ना क्या चुन चुन के ला रहे हैं। कैसे जो मिला, खाते हैं ना इसको तो। हाँ। बड़ा वाला है आज का, यही सब्जी है हम लोग का, वही बोलेगा शाम को। हाँ। वही ना, कितना अच्छा से मस्त एकदम। इसको छोड़ा के ना, एक तो इतना बड़ा ये रहता है, इसको खताते हैं। हाँ। तो इसको छेचेंगे कि बॉईल करेंगे? बॉईल करके। हाँ। छेचने से उसका एक गड़ जाता है। अच्छा हाँ, काट ये सब काटा। हाँ, सब एक तो इतना बड़ा आँख जैसे रहता है, उसको निकाल दिया जाता है। बॉईल करना है उसके। हाँ। बाद फ्राई करेंगे और मसाला रेडी करके फिर डाल देना। हाँ। आप लोग कभी खाए हो क्या ये? हम तो छोटे में खाए थे लेकिन छोटा साइज इसका ना, कोई बीमारी में खरीदता है 100 रुपये किलो, इसके साथ कितना चढ़ेगा बताइए। ये कितना लाई होगी, आधा किलो होगा कि कम होगा? शायद हो जाता। तो गाइज यहाँ पे ये घोंगी जो है ये बॉईल हो चुका है। गरम है, इसके अंदर का मीट निकालते हैं। कुछ इस तरह से ये भिंगा के निकाल रही है, लग रहा है ये इसका मीट है। चलो इसको निकालने का कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं एक बार। अजीब है, इसका छिलका हटा देना है और इसके अंदर का मीट जो है ये कुछ ऐसे निकालना है। थोड़ा अजीब तो दिख रहा है, तो तुम मत खाना। निकल नहीं रहा है ठीक से, ही फट जा रहा है। रह वो वाला को नहीं निकालते हैं? अच्छा उसको नहीं? नहीं। ओ तो देखो तो ठीक से निकाले कि नहीं। हम छिलका भी आ गया क्या? गरम है बहुत, छिलका हटा दिया और फिर इसका अंदर का। बाप रे इतना गरम है। अच्छा ये छोटा सा पोर्शन, मतलब इसका ना सर को बस, उसका बॉडी को नहीं निकालते। सो यहाँ पे हमने मीट निकाल लिया है और यहाँ पे अब ये कट करी है। तो बड़ा वाला पहली बार है ना, अरे उसका मीट तो इतना छोटा छोटा होता है, इतना इससे भी छोटा छोटा होगी। छोटा खाए हैं लेकिन ऐसे। ऑल राइट गाइस, अब हम निकल चुके हैं एक मिशन के लिए जो कि सखवा पत्ता तोड़ना है। इधर पेड़ काफ़ी कम है सखवा का, तो पहले पेड़ खोज लेते हैं। आई थिंक इधर मिल जाएगा, इधर कुछ दिख रहा है, 2-4 पेड़। इधर चलते हैं पहले, सखवा पत्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं और मीट जब पक जाएगा उसके बाद उसको उसमें निकाल के मस्त वीडियो बनाएंगे, मज़ा आएगा। तो कुछ भी नहीं हो रहा है।
चलो काफी है क्या एक में? सो गाइस हमने ये पत्ते तोड़ लिए हैं इधर, अब इसका हम सोच रहे हैं कि पत्तल बनाते हैं और इसमें लंच करेंगे, मजा आएगा पत्तल में खाने में। खाने में भी बिजी है, व्यस्त है। गोल होता है एक दो तीन चार पाँच छः, सिर्फ छः दो सील के हो गया। तो गाइज लाइफ में पहली बार ये पत्तल बनाने सीख रहे हैं, नानी मुझे सिखा रही थी एंड इसका अब बिजनेस करेंगे डेली मार्केट के बाहर बैठ के, बस वहाँ पे सेल करेंगे मस्त, पैसा ही पैसा होगा। यस ये छोटा सा नानी की हेल्प से बनाया है। तुम उसी में खाना सो अब मीट को हम डाल चुके हैं तेल में, अब इसको फ्राई करते हैं हल्का। घोंगा मेल वर्जन, इसका घोंगी हम ट्राई किए हैं, इसका छोटा छोटा पीस रहता है वो अच्छा टेस्ट रहता है, गांव के लोग इधर ये सब खाते रहते हैं। आज कैसे मिल गया ना हम लोग को, कुछ यूनिक, सबसे यूनिक कोई बनाया होगा वीडियो इसका। मस्त से फ्राई करते हैं इसको, फिर निकाल लेंगे एंड मसाला रेडी कर लेंगे। सो ये जो घोंगी का सब्ज़ी हम बना रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम लाइफ में बनाने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये। पहले इसको फ्राई कर रहे हैं अच्छे से, कड़े से फ्राई कर लेना है इसको, अभी पानी सूख जाए बस। हटो चा, बहुत परेशान करता है यार, इन लोगों को भी पता चल गया भागता है कि नहीं, कूट रही है अभी। आँच बस अच्छा दे, बस इधर हवा आना चाहिए था ना, तब अच्छा फ्लेम देता शायद से। घुमा दे क्या, नीचे हो जा रहा है लगता है, आँच कम हो गया जो कोयला में, यही दिक्कत है, बार बार इसको भी डालो पर वही कि आँच अच्छा आना चाहिए। देखो अभी अभी हवा चल रहा है तो थोड़ा ठीक स्पीड से मतलब पानी सूख रहा है उसका। तो इसको आई थिंक 15 मिनट से फ्राई करने के बाद अब इसे निकाल लेते हैं। थोड़ा रेड रेड दिख रहा है कि नहीं, या फिर येलो येलो ज़्यादा दिख रहा है, गिरे ना, ऐसे ही निकाल लेते हैं भाई। अब मछली का स्मेल जैसा आ रहा है, ऐसा लगता है कि क्या खा रहे हैं ना। एकदम हल्का सा लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी तेल है उसमें, इतना काफ़ी है, इतना थोड़ा सा, ये तो सब्ज़ी है ना मेन। तेज पत्ता डाल दिए हैं, अब इसमें डाल, इसमें आँच देखिए तो आँच तो कैसे हो रहा है, मतलब तेज नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ तो क्या कर दें, लकड़ी लगा दें कि नहीं ना, ऐसा लकड़ी लगा देते हैं, लकड़ी ही। हाँ तो अब प्याज मिर्चा डाल दिए इसमें, बहुत ऐसा चूल्हा में बहुत टाइम लगता है पकाने में, 1-2 घंटा पकड़ लिया, भुंजा दिया। तो प्याज अभी काफ़ी अच्छे से लाल हो चुका है और अब डालते हैं मसाला, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं इसमें, मतलब पाउडर मसाला और लिक्विड मसाला, इतना ही काफ़ी है ना, बहुत ज़्यादा और नहीं आना चाहिए। मीट बहुत थोड़ा सा है और ये हल्का सा हल्दी पाउडर डालते हैं और इसको अच्छे से फिर फ्राई करते हैं अगले 20 मिनट तक, एंड फिर पानी डाल के रेडी हो जाएगा। अब 10 मिनट में इतना फ्राई करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बस टमाटर डालना है फिर पानी डाल देंगे, क्या घोंगी का ये ग्रेवी रेडी हो जाएगा।
इसे टेस्ट करके देखेंगे और बताते हैं आप लोगों को कि कैसा ये लगता है। गांव के लोग इधर हमेशा खाते हैं। डैम में इतना अवेलेबल है फ्री का कि आप मछली भी फ्री का इधर ही मार सकते हो, खा सकते हो पका के, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा मसाला फ्राई हो चुका है और अब डालने का बारी आया टमाटर। इसको डाल के और हल्का सा फ्राई कर लेंगे, फिर पानी डाल के इसको, पानी वैसा नहीं डालेंगे ज़्यादा, बस लटपट होना चाहिए, सेमी ग्रेवी रहेगा तो ठीक है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं। चलो हटो, अलग ही लोग परेशान किया हुआ है, पता नहीं क्या मिलता है घर के अंदर इन लोगों को। जैसे यहाँ पे वही लोग के लिए खाना बना रहे हम। ऑल राइट पीपल, अब हम यहाँ पे फाइनली मसाला हम रेडी कर चुके हैं, यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गया है। एंड यहाँ पे जो हम ये फ्राई किए थे घूंगी, अब इसको डालते हैं। इसको सूखा ही रखेंगे क्या अभी, कि पानी हल्का सा दे देंगे और फिर लटपट कर देंगे। वाह चखना इज रेडी, आ जाओ अपना अपना प्लेट पकड़ के। हाँ बस 5 मिनट, उसके बाद फिर ये रेडी हो जाएगा। हल्का सा पानी देंगे बस, ज़्यादा नहीं, ताकि ये अच्छे से सेमी ग्रेवी रहे, और उसके बाद जो खाने में मज़ा आने वाला है, हाँ मज़ा आ जाएगा क्या। बट उससे पहले कि हम लंच करें, पहले फ्रेशन अप हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं लंच के टाइम पे आपसे। तब तक के लिए वेट करिए। सो ऑल राइट गाइस, फाइनली हम फ्रेशन अप हो गए हैं एंड यहाँ पे लंच सर्व कर दिया गया है, नानी सर्व की है। और आज दिन के खाने के लिए हमारे यहाँ चावल है, दाल है, कद्दू का भुजिया है, चना का सब्जी एंड ये घूंगी का सेमी ग्रेवी वाला जो बोल रहे थे, घूंगी का सब्जी और पापड़ है। सो टेस्ट करते हैं पहले। ठीक है, पर वही कि हमने इसका छोटा वाला खाए थे वो और ज़्यादा बेटर लग रहा था, या फिर शायद हम ठीक से फ्राई नहीं किया। चलेगा, पर अभी इस टाइम पे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो खाना स्टार्ट करते हैं।